आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हम सबके बीच नहीं रहे। बीते रविवार को नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में उनका निधन हो गया। आइए जानते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। 99 साल के थे जगत गुरु शंकराचार्य। 9 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ा था घर। 1981 में इनको मिली शंकराचार्य की उपाधि। सियासत में बीती शंकराचार्य की दिलचस्पी। आजादी की लड़ाई के साथ वो धार्मिक कार्यों से भी जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निभाई थी अहम भूमिका। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ाई। उन्हें क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता था। द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हम सबके बीच नहीं रहे। बीते रविवार को नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के बाद पूरे विधि विधान के साथ उन्हें भू समाधि दी गई है। भू समाधि के साथ साथ ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर दी गई है। बता दें कि निधन से कुछ दिन पहले ही उन्होंने आश्रम में अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म एमपी के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में 2 सितंबर 1924 को हुआ था। स्वामी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम धनपति उपाध्याय था। इनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। शंकराचार्य ने 9 साल की उम्र में धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने घर को त्याग दिया था। इसी क्रम में वह काशी पहुंचे और स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। उनकी दिलचस्पी धर्म के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक मुद्दों में भी रही। साधु होने के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता था। इसके साथ ही सियासत में कांग्रेस नेताओं के साथ नजदीकियों के कारण भी चर्चा में रहे हैं। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 महीने तक वाराणसी के जेल में कैद रखा। साथ ही 6 महीने तक एमपी के जेल में भी रहे। दरअसल शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कई दिनों से बीमार थे। वे नरसिंहपुर जिले स्थित आश्रम में ही रह रहे थे। झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली। निधन की खबर से उनके भक्त शोकाकुल हैं। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को उनके गुरु के पास धर्म और राजनीति दोनों की शिक्षा मिल रही थी। उनके गुरु करपात्री महाराज की एक राजनीतिक पार्टी राम राज्य परिषद थी, जिसके वह अध्यक्ष थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जब ट्रस्ट में जगह नहीं मिली तो वह नाराज हो गए थे। उन्होंने मुहूर्त और कामकाज पर भी सवाल उठाया था। गुस्से में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने यहां तक कह दिया था कि यह वीएचपी का मुख्यालय बन रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बेबाकी से हर बात करते थे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा था कि भगवा पहन लेने से कोई सनातनी नहीं बनता। उन्होंने कहा था कि जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि प्राण प्रतिष्ठा कर सके। उन्होंने धन को लेकर भी ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए थे। स्वरूपानंद सरस्वती हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। राम मंदिर के लिए भी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उन्होंने प्राण त्यागे उनके शिष्य ही वहां मौजूद थे। स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किए उत्कृष्ट कार्यों को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे।